अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर जो ये अला एसोसिएशन में राना हमजम जी जो ये आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आजकल सीआरपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। सीआरपीसी के आज हमने तीन टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अगला उसका आज की डेट का टॉपिक फोर्थ, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट के पास कौन सी इनहेरेंट पावर होती हैं जिसके तहत वो अपना हुक्म चला सकती है आज़ादाना मर्दी। जैसे सीपीसी के तहत सेक्शन 151 के तहत कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है कि वो स्टे दे सकती है या स्टे खारिज कर सकती है उसी वक्त। ऐसे ही क्रिमिनल कोर्ट में जो इनहेरेंट पावर होती हैं वो सेक्शन 561 के तहत होती हैं। तो इनहेरेंट पावर असल में होती क्या है, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एक बुक मेरे पास, उससे लॉज आर जनरल रूल्स एंड देयर विल ऑलवेज बी केसेस एंड सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट कवर्ड बाई पोजेसेस इनहेरेंट पावर्स इन इट वेरी कॉन्स्टिट्यूशन टू डू जस्टिस एंड टू अंडू द रोंग इन कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड बींग चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविंग ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड इट इज़ कम्पिटेंट टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग फ्लैग्रेंट मेला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक अथॉरिटी थी 1993 की SCMR सुप्रीम कोर्ट की, पेज नंबर 633 है। मीनिंग ऑफ इनहेरेंट पावर क्या होता है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के तहत एन अथॉरिटी पोजेस्ड विदाउट इट्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अनदर। रेलिवेंट प्रोविजन इसकी है 561 ACRPC, क्रॉस रेफरेंस इसका आ जाएगा सेक्शन 151 CPC, सेक्शन 16 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, आर्टिकल 1, आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 560A। अब हमने जो टॉपिक है इसको डिस्कस करना है। सेक्शन 561A डज नॉट कंफर एनी न्यू पावर अपॉन अ कोर्ट, यानी सेक्शन 561 कोई नई पावर लेके कोर्ट में नहीं आ रहा, ये किसी सेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये किसी चीज़ को अपनी जगह से हिला नहीं रहा, किसी लॉ के पॉइंट को बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ को ला के जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बिल्कुल तंग नहीं कर रहा। लेकिन कोर्ट के पास एक अपने अख्तियारात भी होते हैं जिसे इनहेरेंट पावर्स कहते हैं। बट ओनली सेव इट्स इनहेरेंट पावर्स टू डू राइट एंड अनडू रॉन्ग, जहाँ पे कोई गलती हो रही है या जहाँ पे कुछ अच्छा होने की कोशिश होना चाहिए वहाँ पर कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 2002 PLC पेज नंबर 52। इट वाज हेल्ड कोर्ट्स आर क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिराइव देयर पावर्स एंड ज्यूरिस्डिक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स हैव टू एक्सरसाइज देयर पावर विद इन लिमिट लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट्स को लिमिट्स बता दी गई हैं, कोर्ट्स ने उन लिमिट्स के अंदर रह के काम करना है। अगर किसी कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल भी करना है ना, तो वो भी अपनी लिमिट्स के अंदर रह के ही करना है, ये उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है। नेचर ऑफ इनहेरेंट पावर, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 561 ACRPC इज नॉट एडिशनल आर अल्टरनेट एंड व्हेन अल्टरनेट रेमडी इज अवेलेबल द इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी इंटरटेन। जब किसी चीज़ के अल्टरनेट कोई ला होगा तो फिर वहाँ पर इसको जो इसकी नेचर इनहेरेंट पावर की होगी वहाँ इसको नहीं छेड़ा जाएगा। बेसिस ऑफ इनहेरेंट पावर्स, अभी रेमडियम, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमडी। सिंपल सी मैगजम है, लास्ट आर्ट में आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ी होगी। व्हेन इनहेरेंट पावर कैन बी यूज अंडर सेक्शन 560A, हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 560A CRPC इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में, किन किन हालात में हाई कोर्ट के पास अख्तियारात है कि वह इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। इन एबसेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, जहाँ पे लॉ की कोई प्रोविजन नहीं होगी, एबसेंस होगी,
वहाँ पे कोर्ट के पास अख्तियारात है कि वो खुद फैसला कर सकती है। टू गिव इफेक्ट टू एनी आर्डर अंडर CRPC, जहाँ पे CRPC के किसी आर्डर पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा कानून के ऊपर, उधर कोर्ट के पास अख्तियारात है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। टू प्रिवेंट अब्यूज़ आर प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, गलत को रोकना, प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट का कोई भी गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए भी हाई कोर्ट के पास अख्तियार आता है कि वो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ को आसानी से फराहम करने के लिए इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे कोर्ट को ये चीज़ लगे कि उसने ये इनहेरेंट पावर उसे दी गई हैं ताकि वो लोगों को इंसाफ दे सके, तो जहाँ पे कोर्ट को लगे कि वो ऐसा करने से उसको इंसाफ दिया जा सकता है अगले बंदे को, तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। इसको कहते हैं टू सिक्योर एंड्स ऑफ जस्टिस। आगे सेक्शन 249A, 250K एंड 561 CRPC, इनमें ये आ जाएगा कि मजिस्ट्रेट के पास कौन से अख्तियारात होते हैं, सेशन जज के पास कौन से होते हैं, हाई कोर्ट के पास कौन से होते हैं। हाई कोर्ट के पास सेक्शन 561 आ जाएगा, फिर 260K CRPC, हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 561 टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ एनी पर्सन विच कैन बी सॉट अंडर सेक्शन 249 का मजिस्ट्रेट के पास आ जाएगा, 265K का सेक्शन कोर्ट के पास आ जाएगा। यानी कि ये हाई कोर्ट ने बता दिया, कानून ने हमें बता दिया कि हाई कोर्ट के पास इस सेक्शन के तहत अपनी इनहेरेंट पावर हैं, सेशन कोर्ट के पास इस सेक्शन के तहत अपनी इनहेरेंट पावर हैं, मजिस्ट्रेट के पास इस सेक्शन के तहत अपनी इनहेरेंट पावर्स हैं। लिमिटेशन आर रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, हर जगह पर इनहेरेंट पावर इस्तेमाल नहीं होती। आगे आ जाता है जनाब इंस्टेंसिस ऑफ इनहेरेंट पावर्स, कहाँ पे ज़्यादातर इनहेरेंट पावर इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल करेक्शन ऑफ एरर, किसी भी जगह पे आर्डर, अदालत का जो आर्डर होता है उसमें क्लरिकली कोई मिस्टेक हो जाती है उसको ठीक करना है कोर्ट खुद कर सकती है। क्वेश्चनमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, जो क्वेश्चनमेंट की प्रोसीडिंग है उधर कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में कुछ स्टे है 551 के तहत, वहाँ पे भी अदालत के पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो अपना फाइनल आर्डर जारी कर सकती है। उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन का जैसे आपको बताया है वैसे हेडिंग देनी है और इस टॉपिक को आपने कंक्लूड करना है। जी हमारा आज का ये वाला टॉपिक भी कम्प्लीट हो गया है, इंशाल्लाह ताला अगला फिर टॉपिक हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया को इजाज़त दें। अगर किसी दोस्त को बहन भाई को समझ ना आई हो तो मेरे नंबर आपके पास हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ 0334679079। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।